नमस्कार मित्रों, देखिए मैं आ गई हूँ अपने मायके। दो दिन के लिए आई हूँ, यहाँ पर एक प्रोग्राम था इसी में। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ पौधे लगे हुए हैं। मेरे पापा पौधों के शौकीन हैं, बट उनको समय नहीं मिलता, ऑफिस जाना होता है। तो कुछ पौधे दो चार लगाए हुए हैं, दो गमले भी देख रहे हैं कि खरीद के ला दिए हैं। और मुझसे कहते हैं कि मीनू, जैसे आपने घर पे लगाई हो गमले में पौधे, तो उस तरह से हमारे यहाँ पर भी फूल पत्ती लगा दो। तो हम लोगों का आना जाना थोड़ा कम रहता है, क्योंकि ससुराल में जानते ही हैं बहुत कम समय मिलता है। और छत पर और नीचे फ्रंट में इतना गार्डन, मतलब पौधे लगाए हूँ कि उनके वजह से और बहुत कम दिन आना होता है, यहाँ पर रहना होता है। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ मायके में, बट मेरा मन वो पौधों में लगा होता है, रहता है कि उन्हें समय से पानी मिला कि नहीं, कैसे हैं। तो इस वजह से बहुत कम आती हूँ, लेकिन देख रही हूँ कि दो गमले ला करके वो पौधे लगाए हैं, शिफ्ट कर दिए हैं, और यहाँ पे कुछ पौधे लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा छोटा सा टूर कराऊँगी अपने मायके। देखिए ये मेरा मायका है, मेरे पापा का घर है, और मेरी दादी देखिए बारामदे में बैठी हुई हैं। और ये देखिए पपीता का पेड़ लगाए हुए हैं पापा एक ठो, तो इसमें कुछ पपीते लगे हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए बेल है, ये समर में बहुत हैवी फ्लावरिंग करती है, बहुत दिन की है ये। देखिए इसके जो है स्टेम कितने मोटे हैं, ये मेरे पापा का बहुत फेवरेट फ्लावर है। इसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं और सेंटेंट होता है, महकता रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी फ्लावरिंग होता है। देखिए इसमें प्रूनिंग कर दिए हैं ना, तो नए नए ब्रांच देखिए निकल रहे हैं, और जितने भी नए ब्रांच निकलेंगे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होगी। और देखिए यहाँ पे एक बेल का पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए बेल में के पेड़ में कुछ बेल लगे हुए हैं। तो ये बहुत शुभ पौधा माना जाता है, पेड़ माना जाता है बेल का, और पूजनीय भी है। भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत पसंद है, प्रसन्न हो जाते हैं तीन बेलपत्र के पत्ते से ही, तो उस काम में भी आता है पूजा पाठ के, और बहुत शुभ है, अपने घर पे लगाना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ रेड वाले मैरीगोल्ड हैं, गेंदे के फूल हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे ही बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग करते रहते हैं। और ये देखिए गुलदाउदी, यहीं से मैं एक पौधा अपने घर पर ले गई थी वहाँ पर ससुराल में। और देखिए एलोवेरा है, और देखिए फिर से अभी गर्मी ठंडी में भी फ्लावरिंग हुई थी, और देखिए फिर से यहाँ पे देखिए कलियाँ बन रही हैं छोटी छोटी, और बहुत सारे इसमें से देखिए निकल रहे हैं नए नए पौधे। एक पौधा लगा देंगे तो बहुत सारे पौधे इसमें हो जाते हैं। और ये देखिए तुलसी माँ है, पूजनीय पौधा देख ही रहे हैं। और ये रेहो जो बोट लिली का पौधा है, मैं वहाँ से अपने यहाँ से ला के लगाई थी, देखिए कैसा हो गया है ये। और ये देखिए एक गुड़हल है, गुड़हल का फूल है, देखिए पेड़ है कितना मोटा, और देखिए बहुत अच्छा फ्लावरिंग हुआ है, हैवी फ्लावरिंग होता है, पेड़ भी बहुत पुराना है ये गुड़हल का, बहुत ज़्यादा मात्रा में पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। तो ये फ्रंट पर भी लगा सकते हैं, और आप पॉट में गमले में आप छत पर भी अपने लगा सकते हैं। और फिर चलिए उधर चलते हैं। ये यहाँ पर स्नेक प्लांट लगा हुआ है, तो ये एक पौधा मैं दो साल हुए कभी लाई थी, एक छोटे से पॉट में लगा करके एक पौधा लाई थी और यहाँ पे लगा दी थी। देखिए तो पापा क्या किए कि एक पॉट खरीदे हैं सीमेंट का, और उसमें रिपोर्ट कर दिए हैं, और देखिए एक से कितने पौधे बन गए हैं स्नेक प्लांट के, बहुत सारे, और ग्रोथ भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है इसमें। तो ये देखिए स्नेक प्लांट क्या होता है कि एक से अनेक पौधे हो जाते हैं स्नेक प्लांट के, देखिए छोटे छोटे पौधे नए नए निकल रहे हैं। तो इसे आप चाहें तो यहाँ से निकाल करके आप दूसरे पार्ट में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो एक से अनेक बनने में समय नहीं लगता है, और बहुत ही कम केयर में स्नेक प्लांट चलता रहता है आपके गार्डन में, हरा भरा लगता है गार्डन। और क्या होता है कि ये बहुत कम केयर में चलने वाला प्लांट है, और एयर प्यूरीफायर प्लांट है, ये हवा को शुद्ध करता है, और ऑक्सीजन की मशीन कहा जाता है इसे। और यहाँ पे देखिए ये एरिका पाम है, तो पापा इसे नर्सरी से लाए थे,
तो मैं पूछी कि कितने का है, तो बोले कि जो पौधा है 150 का है, पड़ा है ये, और ये पार्ट जो है सीमेंट का, तो दो पार्ट लाए हैं, तो 80 रुपये में एक पार्ट पड़ा है। तो ऐसे डेकोरेटिव प्लांट या फ्लावर प्लांट लगाने के लिए, छोटे छोटे प्लांट लगाने के लिए जो है कि मिट्टी का गमला सबसे नंबर 1 पर आता है, और इसके बाद सीमेंट का, और नंबर 3 पर आता है प्लास्टिक का गमला। तो मिट्टी का तो थोड़ा जल्दी से ख़राब हो जाता है मिट्टी का गमला, लेकिन ये सीमेंट का गमला जो है कि थोड़ा ज़्यादा दिन तक चलता है, लेकिन थोड़ा हैवी होता है। और लेकिन मिट्टी के पार्ट में और सीमेंट के पार्ट में पौधे बहुत अच्छी तरह से चलते रहते हैं, इनमें पौधे ख़राब नहीं होते। ज़्यादा पानी भी यदि पड़ जाता है तभी पौधे ठीक से रहते हैं, और कम केयर करनी पड़ती है। लेकिन प्लास्टिक पार्ट तो हल्का होता है, लेकिन थोड़ा उसमें ध्यान देना होता है, पानी का और मिट्टी अच्छी वेलड्रेन बनानी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पर 2 पौधे लग गए हैं गमले में और अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा ये सब मैं घर ही से ला के लगाई थी, अगली बार जब आई थी तो देखिए अपराजिता का पौधा है, ये हो रहा है, फिर गर्मी में फ्लावरिंग करेगा अच्छी तरह से। और ये देखिए यहाँ पर सेम लगाए हुए हैं, तो सेम की फलियाँ दिखाई दे रही होंगी आपको। बस इतना ही छोटा सा है गार्डन मेरे पापा का, और बस मैं कल चली जाऊंगी यहाँ से, तो फिर मैं वहाँ अपना गार्डन दिखाऊंगी। तो ये मेरे मायके का थोड़ा सा छोटा सा गार्डन आप लोगों को कैसा लगा, और कम वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।